नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे अपनी एक ताजा कविता साझा करने जा रहा हूं। ये कविता दरअसल एक तस्वीर पर आधारित है, तस्वीर से प्रेरित है, जो हाल में प्रकाशित हुई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। इस पर दुनिया भर में चर्चा हुई थी। इस तस्वीर की खास बात यह थी कि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व शासक मौजूद हैं, साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी। तो इस तस्वीर पर आधारित इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका शीर्षक भी तस्वीर ही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें कुल 6 लोग हैं, 5 मर्द और 1 औरत। 6 खुश हैं एक दूसरे से ठिठोली करते हुए, छहों खुश हैं एक दूसरे से ठिठोली करते हुए। उनकी ताकत की नुमाइश कर रही है चेहरे पर बिखरी गर्वोन्मत्त मुस्कान। देखिए क्योंकि दुनिया देख रही है यह तस्वीर, देखिए क्योंकि दुनिया देख रही है तस्वीर। बात कर रहे हैं इस पर पत्रकार और टीकाकार। इस चित्र में समय कैद है, इस चित्र में समय कैद है, दर्ज है इतिहास के कुछ भयानक दृश्य। इराकियों ने जब देखा होगा इसे तो थूक दिया होगा इस पर किसी भद्दी गाली के साथ, इराकियों ने जब देखा होगा इसे तो थूक दिया होगा इस पर किसी भद्दी गाली के साथ। इसमें वो हत्यारा मुस्कुरा रहा है जिसकी सहमत या चुप्पी ने ले ली थी लाखों बेकसूरों की जान। साथ में खड़े अन्य 3 को देखकर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया होगा। वे उनकी और उनके मुल्क की बर्बादी तय करने वाले लोग हैं। चिली में जब लोगों ने देखा होगा यह चित्र तो उन्हें याद आए होंगे वे स्याह दिन। चिली में जब देखा होगा लोगों ने यह चित्र तो उन्हें याद आए होंगे वे स्याह दिन, जब डॉलर के बल पर करवाया गया था तख्ता पलट और भून दिया गया था सैकड़ों को सरेआम। उन्हें तानाशाह पिनोशे भी याद आया होगा, उन्हें तानाशाह पिनोशे भी याद आया होगा, जिसे थोपा था अमेरिका ने उन पर और जिसने ढाए थे बेहिसाब जुल्म मासूमों पर। पक्का है कि उन्होंने तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके नालियों में बहा दिए होंगे, कुछ ने विकृत किया होगा उसे या फिर दीवार पर टांग कर पिस्तौल से निशाने लगाए होंगे। हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को भी आया होगा तेज गुस्सा उसे देखकर, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को भी आया होगा तेज गुस्सा उसे देखकर, जिसकी वजह से मारे गए थे उनके सगे संबंधी बेवजह। बेबसी के साथ उन्होंने पोछे होंगे अपने आंसू, लोकतंत्र, संविधान और न्याय पर की होंगी कुछ निराशाजनक टिप्पणियां। संभव है कुछ ने तैश में आकर कुचला हो तस्वीर को जूतों से। वास्तव में यह तस्वीर केवल 6 लोगों के कारनामों का दस्तावेज नहीं है, वास्तव में यह तस्वीर केवल 6 लोगों के कारनामों का दस्तावेज नहीं है, यह इतिहास है लाखों दुखियारों का जो भुगत रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता लोलुपता का प्रकोप। इसलिए देखो गौर से देखो यह तस्वीर जिसे देख रही है पूरी दुनिया, जिस पर चर्चा कर रहे हैं पत्रकार और टीकाकार लगातार। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। आपने इस कविता को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।